तो बॉस कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपके मन में चल रहा हो कि कौन सी मूवी देखे, जैसे कि अभी लगी हुई है मेजर, लगी हुई है प्रतिरान, लगी हुई है और विक्रम लगी हुई है। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं इन तीनों में से कौन सी मूवी देखे। तो दोस्तों मैंने मूवी देखी है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इनमें से सिर्फ विक्रम मूवी देखे। जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे सिर्फ विक्रम मूवी को देना, क्योंकि दोस्तों विक्रम मूवी के अंदर आपको सब चीज़ देखने को मिलेगी। दोस्तों साउथ का पहले से ही कोई जवाब नहीं रहा है, अब तो साउथ वाले कभी ताबड़तोड़ कभी जबरदस्त फिल्म बना रहे हैं। दोस्तों इस मूवी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। एक्सीलेंट मूवी है, जबरदस्त मूवी है। इस मूवी के मतलब मेरे पास कहने शब्द कतई भी नहीं है। एक्टिंग की बात की जाए, डायरेक्शन की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। एकदम लाजवाब मूवी है यार। कमल हसन की एक्टिंग एकदम लाजवाब गति, मूवी की स्टोरी बस कोई शब्द नहीं है यार। तो दोस्तों मूवी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मूवी स्टार्टिंग होगी तो थोड़ी जैसे मूवी बढ़ेगी आपको मूवी के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता दिखाई देगा। थोड़ी मूवी और चलेगी आगे तो आपको इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा मूवी के अंदर। जैसे आप क्राइम पेट्रोल की कहानी देखी, आपने क्राइम पेट्रोल चलता रहता है तो ऐसे चलेगी मूवी कहानी। बस क्राइम पेट्रोल में एक्शन सीन्स नहीं होते, मूवी के अंदर आपको एक्शन सीन देखने को मिलेंगे। सस्पेंस, सस्पेंस स्टार्टिंग से ही मूवी के अंदर सस्पेंस पैदा हो जाता है। तो आप सोचेंगे बीच में जाकर कि सस्पेंस खत्म हो गया है, चलो सब पता चल गया हमें, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचेंगे एंड में जाकर कि चलो एंड में सब सस्पेंस खत्म हो ही गया है। दोस्तों एंड में सस्पेंस खत्म नहीं हुआ। दोस्तों लास्ट में जाएंगे जब आपके सामने रोलेक्स आएगा, तो दोस्तों लास्ट में जाके कभी एंडिंग सीन में आपको रोलेक्स दिखाई पड़ेगा और आप रोलेक्स को देखेंगे जैसे ही, तो आपका सस्पेंस और बढ़ जाएगा यार कि सेकंड पार्ट जितना खतरनाक आएगा, एकदम बड़ी जबरदस्त। विक्रम का सेकंड पार्ट भी आएगा। तो दोस्तों मूवी का जो एक्शन है आपको केजब वाला देखने को मिलेंगे, जैसे केजब में कुछ सीन्स है इस तरह सीन्स आपको देखने को मिलेंगे मूवी के अंदर। तो आप में से कुछ लोगों ने पुष्पा मूवी जरूर देखी होगी। पुष्पा सभी को अच्छी लगी है, जिसने ताबड़तोड़ कमाई की थी, अल्लू अर्जुन की मूवी थी। तो दोस्तों पुष्पा में एक बंदा एंड में आया था पुलिस वाला, जिस पुलिस वाले का नाम था फहद फाजिल। तो जैसे ही मैंने इस बंदे को एंड में देखा तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि इस बंदे की एक्टिंग लाजवाब है, इस बंदे की एक्टिंग में बहुत दम है। पर मेरे दोस्त कहने लगा छोड़ क्या एक्टिंग, थोड़ा कुछ नहीं है तो खत्म ही, कोई एक्टिंग या कुछ नहीं आया। पर जैसे ही ये मूवी सबने देखी बैठ कर विक्रम, तो मैंने बोला कि बोला था ना एक्टिंग के बारे में, तो भाई साहब फहद फाजिल की इतनी खतरनाक एक्टिंग दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, विक्रम के अंदर। इसमें भी ये पुलिस वाला ही है यार, पर एक्टिंग लाजवाब। तो पता क्या बोलते हैं बंदे, यार ये तो हमारे यहाँ राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी टक्कर देने वाला बंदा है। तो भाई साहब ऐसी खतरनाक मूवी है। सस्पेंस मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मूवी के अंदर सस्पेंस क्या है, पर इतना बता दिया कि मूवी में आप कहीं भी बोर नहीं होंगे, 1% भी आपको मूवी कहीं बोरिंग नहीं लगेगी। जैसे कि और मूवी में रहते हैं ना बोर, रहे यार लंबी खींच दी है, 3 घंटे की लगभग मूवी है, 3 घंटे में आपको कहीं बोरिंग नहीं, कुछ नहीं बोर हो। ये कतई स्टोरी लाजवाब यार, कतई कमल हसन की एक्शन जबरदस्त। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।